पेज तो कोई मतलब नहीं है, जो हैंड रिटन नोट्स है उसके निकलवा लेना, ठीक है। और थोड़े दिनों में अपने स्प्रिंग बोर्ड की जो मैगजीन है 6 महीने की, वो भी आने वाली है, जल्दी आने वाली है। आपका जो इंतजार है वो समाप्त हुआ। जनवरी महीने से लेकर मिड अगस्त तक का करंट अफेयर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है, तो और आपके वो आपको जो इसके अलावा फिर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको किया गया। मैंने आज ही जब वो देखा, उपेंद्र सर के निर्देशन में वो तैयार हुई है, और मैंने आज ही उसको देखा तो वाकई में मुझे लगा कि मुझे हैंड रिटन नोट्स की फिर बेकार में मेहनत की, क्योंकि इतनी अच्छी चीजें तो ऑलरेडी सर ने बना दी है। पर कोई ना, ये इसका एक अलग महत्व है, क्योंकि इसमें अपन महीने वाइज वो कवर करते जा रहे हैं, और सर ने जो बनाई है वो आपको सेक्शन वाइज उन्होंने करके दी, और सेक्शन वाइज बहुत ही अच्छे से कवर किया। जैसे जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी एक जगह कर दी, जितनी भी इंडेक्सेस हैं वो सारी एक जगह कर दी, है ना, जितना भी खेल का अलग है वो एक जगह कर दिया, चर्चित व्यक्तित्व वाला निधन जिनका हुआ है वो सारी जगह वो अलग अलग करके उन्होंने बहुत ही अच्छे से जगह तैयार किया है। तो जब एक बार वो आ जाएगी तो अपन एक काम करेंगे, जब महीने वाला अपना कंप्लीट हो जाएगा तब जो सेकंड रिविजन जो लेना होगा तो अपन वो मैगजीन के अकॉर्डिंग जो उसको रिविजन ले लेंगे, ठीक है। तो मैगजीन के अकॉर्डिंग अपना रिविजन भी हो जाएगा, दो बार जो अपनी रिवाइज हो जाएगी, तो यानी कि आप करंट अफेयर की क्लास देख लोगे, हैंड रिटन नोट्स कर लोगे और वो वाली मैगजीन कर लोगे, सफिशियंट है। अब अपने बाकी मैगजीन लाना भले ही बंद कर दो, ठीक है, अगस्त तक की, ठीक है। अगस्त के बाद में की जो आएगी मैगजीन, अगस्त वाली, सितंबर वाली, ये जरूर लेना भाई। अगस्त से पुरानी वाली यदि किसी को मैगजीन नहीं मिल रही है मुमल कर्नोलॉजी, कोई आवश्यकता नहीं। अब आपका समाधान उसका हो गया, ठीक है, चलो भाई।